खेलों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे, खेलेंगे और खेलना सिखाएंगे। खेलों से जुड़कर हम स्वस्थ भारत बनाएंगे। खेल खिलाड़ी का हम हौसला बढ़ाएंगे। हार जीत से आगे बढ़ मैं को हम बनाएंगे देश का मान बढ़ाएंगे। संकल्प से सिद्धि लाएंगे हम न्यू इंडिया बनाएंगे खेलेंगे और खेलना सिखाएंगे। जय हिंद। गर्ल्स हाई स्कूल इनके तो बट्टा नहीं बनने वाला। मैं बनी से, मेरा नाम राहिदा बानू। मैंने 100 मीटर्स में हिस्सा लिया और मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है। और हमारे टीचर्स गवर्नमेंट हाई स्कूल गर्ल्स हाई स्कूल बनी, मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है। और हमारे टीचर्स, मैं सबका धन्यवाद करूंगी जिन्होंने हमें मौका दिया यहां बोलने का। और मैं सभी बच्चों को यही वो दूंगी कि वो भी खेलों में हिस्सा लें। मैसेज दूंगी कि वो भी खेलों में हिस्सा लें। स्पोर्ट्स बोलते हैं हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर हमें खेलने का, हर बच्चे के अंदर ये एक्टिविटी होनी चाहिए। और मैं सबसे उम्मीद करूंगी कि सभी बिना डरे बिना झिझक किए सामने आएं और हिस्सा लें। मेरा नाम रोहित कुमार जोत्यान है। मैं HS पनियाल से हूँ। मैंने रनिंग में हिस्सा लिया है और 400 मीटर्स। आई एम शबनम अख्तर, डॉटर ऑफ गुल मोहम्मद। आई एम स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल बनी। और मैं यहाँ पे आई और मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे गर्ल्स भी पार्टिसिपेट कर रही थी। और मैं और भी लड़कियों को कहना चाहूँगी कि वो भी आके पार्टिसिपेट करें और इससे हमें ही फ़ायदा है। अगर हम पार्टिसिपेट करते हैं और हम आगे जाते हैं तो इससे हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, हमें जॉब भी लग सकती है इससे। और मैं सबको यही मैसेज देना चाहती हूँ कि वो आए और पार्टिसिपेट करें। आज का हमारा ये तकरीबन दूसरा दिन है। एथलेटिक मीट्स हमारी जहाँ पे चल रही हैं, एथलेटिक मीट्स हमारे दो भागों में होती हैं। एक भाग हमारा ट्रैक इवेंट होता है और दूसरा भाग जो है वह होता है फील्ड इवेंट। जो फील्ड इवेंट है उसमें लॉन्ग जंप, हाई जंप, शॉर्ट पुट, डिस्क थ्रो, जैवलिन, जितने थ्रोइंग और जंपिंग इवेंट्स हैं ये हमारे फील्ड इवेंट्स में आते हैं। और जो हमारा ट्रैक इवेंट है, ट्रैक इवेंट में हमारी रेसेस आती हैं, जैसे 100 मीटर है, 200 मीटर है, 400 मीटर, 800 मीटर, 1500 मीटर, इस प्रकार की रेसेस जो हैं ये हमारी ट्रैक इवेंट में आती हैं। तो आज कौन कौन से खेल का एहतमाम किया गया? आज हमारा ये अंडर 17 बॉयज़ एंड गर्ल्स, ये हमारा यही इवेंट्स जो थे वो होने जा रहे हैं। ये आने वाले दिनों में किस प्रकार से यहाँ पे इवेंट्स करवाए जाएंगे? आने वाले दिनों में ये हमारा फिलहाल अभी ये ऑफ सीज़न है। इस वक्त हमारे कोई भी इवेंट्स जो है, ये जो हमारा सीज़न है आजकल दिसंबर महीने में हमारे इंटर डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल के तकरीबन इवेंट्स होते हैं। लेकिन पीछे ये कोरोना काल की वजह से कुछ हमारी पार्टिसिपेशन जो है वो कम हुई, क्योंकि हमारा ये लक्ष्य था कि हमारे डिपार्टमेंट की ये वो जो टारगेट था वो था हमारे के 75,000 तक जो है पार्टिसिपेशन करवाना। लेकिन इस बार क्या हुआ, ये कोरोना काल की वजह से हमारी पार्टिसिपेशन कम हुई। तो इसको देखते हुए हमारे डायरेक्टर साहब की क्या आदेश हुआ कि आप ऐसा करो कि सेकेंड फेज एथलेटिक्स मीट्स जो है वो हर जोन में करवाई जाए। तो वो हम लोग एथलेटिक्स मीट्स यहाँ पर करवा रहे हैं। और अगला जो हमारा कार्यक्रम होगा वो आगे जैसे भी ये नए सेशन में 2022 में जब शुरू होगा तो उस वक्त ये हमारा नए सेशन से शुरू होगा। जो डायरेक्टर का यहाँ पर आज विजिट था, इस तमाम जो खेल होने थे उसको देखना था, हाँ जी, तो आज क्या वो कैंसिल है प्रोग्राम? हाँ, वो एक्चुअली उनका जो चीफ सेक्रेटरी साहब की जगह कोई मीटिंग आ गई उनकी, तो वो शाम को मुझे तकरीबन 9:45 मैसेज आया कठुआ से, हमारे वर्दी डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्वेंट स्पोर्ट्स ऑफिसर कठुआ की तरफ से, कि उनका प्रोग्राम फिलहाल कैंसिल है। तो आप ऐसा करिए कि आप अपनी एक्टिविटीज़ जो है वो कंटिन्यू रखिए ऐसे। थैंक यू।